Very good morning to all. Welcome to the physics class. And today's topic is Newton's third law of motion. We have already read about Newton's first law and second law of motion. Newton's first two law, which deals with the effect of forces on a single object, but the third law describe the interaction between two bodies. Consider two bodies, body A and body B. We press these two bodies against each other. Let F1 be the force exerted by body A on B and F2 be the force exerted by body B on body A. Now, according to third law of motion, F1 vector equal to minus F2 vector. It means these two forces are equal in magnitude but opposite in direction. Next, the force applied by body A on B is known as action, and the force experienced by body A due to body B is called reaction. Okay, so according to third law of motion, to every action there is an equal and opposite reaction. और आपने यहाँ पे एक ही याद रखनी है, जो भी हमारे पास action and reaction forces हैं, action और reaction है क्या, forces, ये हमेशा act होते हैं on two different bodies के ऊपर. जैसे यहाँ पे two bodies हैं A and B, अगर A के ऊपर action है तो reaction B के ऊपर होगा, अगर B के ऊपर action है तो reaction हमारे पास A के ऊपर होगा. अगर ये हमारे पास A same body पे lie करते हैं तो ये action और reaction क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को cancel कर देंगे हमारे पास. ठीक है, तो action and reaction forces are equal in magnitude but opposite in direction and are acting on two different bodies, never cancel each other. अगर ये different bodies के ऊपर lie कर रहे हैं तो एक दूसरे को कभी भी ये cancel out नहीं कर सकते. Now we discussed application of Newton's law of motion, and first application is horse cart problem. सबसे पहले हम horse के motion को consider करेंगे. हॉर्स क्या कर रहा है, इस कार्ट को पुल कर रहा है. देन हॉर्स एग्जर्ट अ फोर्स स्मॉल एफ ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड क्या कर रही है, उसको रिएक्शन फोर्स दे रही है. अगर हॉर्स ने यहाँ पे अर्थ के ऊपर फोर्स एफ अप्लाई किया तो दैट इज एक्शन. अब अर्थ क्या कर रही है, रिएक्शन फोर्स दे रही है, जिसको हम कैपिटल आर से डोनेट कर रहे हैं. देन रिएक्शन फोर्स को हमने टू कॉम्पोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया. फर्स्ट वन इज हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट एंड सेकेंड वन इज वर्टिकल कॉम्पोनेंट. हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और हॉर्स का हमारे पास जो वेट है दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन पे. कैपिटल एम इज द मास ऑफ द हॉर्स. नेक्स्ट स्टेप, कार्ट का वेट हमारे पास है स्मॉल एम एंड जी. स्मॉल एम इज द मास ऑफ द कार्ट एंड वेट इक्वल टू एम जी. एंड आर डैश इज द रिएक्शन. द वेट एम जी ऑफ द कार्ट इज बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन R dash due to the ground. And capital F is the frictional force. Next, T. अब क्या करिए, T is a tension. Tension is a force. Tension को हम क्या बोलते हैं, force. And tension is a pulling force, not a pushing force. Tension is a force along the length of a medium. अब ये क्या है हमारे पास, जो cart और horse है इसको हमने connect किया है एक string की help से, means की rope की help से. तो जो टेंशन हमारे पास फोर्स होती है, मीन्स की जो पुलिंग फोर्स होती है, ये हमारे पास लगती है अलोंग द लेंथ ऑफ अ मीडियम अप्लाई होती है. मीन्स की वन डायमेंशनल में ये अप्लाई होगी हमारे पास. टेंशन मेनली हमारे पास है क्या, फोर्स. तो ये जो हॉर्स क्या कर रहा है, इस कार्ट को पुल कर रहा है, तो उसके लिए टेंशन फोर्स हमने अप्लाई की इस डायरेक्शन पे. अब कार्ट भी क्या कर रही है, हॉर्स को पुल कर रही है, तो उसकी टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन पे हमने यहाँ पे अप्लाई की. ठीक है, तो ये थी हमारे पास डायग्राम और डायग्राम में जो भी टर्म्स थी. सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे मोशन ऑफ हॉर्स. ओके, अब देखो हॉर्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. तो जब रिएक्शन फोर्स को हमने टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया तो कौन सा कंपोनेंट हॉर्स को आगे मूव होने में हेल्प कर रहा है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट मूव कर रहा है. तो इसका जो टेंशन फोर्स है वो किस डायरेक्शन पे है, बैक पर. मींस के हॉरिजेंटल और टेंशन फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट. हॉर्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो कौन सा कंपोनेंट हेल्प कर रहा है हमारे पास, एच कंपोनेंट. मींस कि अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ग्रेटर होगा टेंशन फोर्स से, तभी हमारे पास हॉर्स क्या होगा,
फॉरवर्ड डायरेक्शन पे मूव होगा। तो इस केस में क्या जाएगा, एच ग्रेटर देन टी, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एच माइनस टी इक्वल टू एम ए, इक्वेशन वन। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ द कार्ट। अब कार्ट हम यहाँ पे हॉर्स के ऊपर टेंशन फोर्स अप्लाई कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, एंड फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास कहाँ पे है, बैकवर्ड डायरेक्शन पे। कभी भी ऑब्जेक्ट हमारे पास तभी मूव करता है जब फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, लेस देन द अप्लाइड फोर्स। मीन्स की इस केस में क्या होगा, अगर हमारे पास टी मीन्स की टेंशन फोर्स ग्रेटर होगी फ्रिक्शनल फोर्स से, तभी हमारे पास जो कार्ट है वो मूव करेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। तो इस केस में हमारे पास क्या कंडीशन होगी, टी ग्रेटर देन एफ, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी माइनस एफ इक्वल टू एम ए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इक्वेशन टू। सबसे पहले हमने हॉर्स के मोशन को कंसिडर किया, फिर कार्ट के, अब हम क्या करेंगे, मोशन ऑफ हॉर्स एंड कार्ट मीन्स कि इस पूरे सिस्टम को कंसिडर कर लेंगे। सिस्टम के अंडर क्या आएगा, हॉर्स एंड कार्ट का मोशन आएगा। तो हम क्या करेंगे, इन टू इक्वेशंस को हमने ऐड कर देना है। इक्वेशंस को ऐड किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट में, राइट को राइट में। तो यहाँ पे हमारे पास टी कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे, एच माइनस एफ, और यहाँ पे हमने स्मॉल ए आइसोलेशन को कॉमन ले लिया, इक्वेशन स्मॉल ए इक्वल टू एच माइनस एफ अपॉन एम प्लस एम। ओके, तो ये था हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट था, माइनस किया हमने फ्रिक्शनल फोर्स के अपॉन हमारे पास हॉर्स का मास प्लस कार्ट का मास, ये हमारे पास आ गया एसिलेशन। एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, दैट इज हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज प्रॉब्लम ऑफ मासेस एंड टू पुलिस। सो नाउ कंसिडर टू मासेस, मास एम कैपिटल एम एंड मास स्मॉल एम, मीन्स की टू ऑब्जेक्ट ले लिए, एक ऑब्जेक्ट का मास हमारे पास कैपिटल है, एक ऑब्जेक्ट का मास हमारे पास स्मॉल एम है। और कंडीशन याद रखनी यहाँ पे कि जो स्मॉल मतलब कैपिटल एम है उसका, उस ऑब्जेक्ट का मास हमारे पास ग्रेटर होगा स्मॉलर से, ये तो हमें पता ही है। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये जो हमारे पास टू मासेस थे, मास कैपिटल एम ये स्मॉल एम, इनको हमने कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग एक पुली के साथ। ये हमारे पास क्या है, पुली है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ मासेस एंड पुली, हमने क्या किया, इन मासेस को कनेक्ट कर दिया टू स्ट्रिंग के साथ, इनको बांध दिया पुली के साथ। लेट टी वी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ये जो स्ट्रिंग्स है वन डायमेंशनल है, यहाँ पे टेंशन इज ए फोर्स, तो यहाँ पे कौन सी फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, टेंशन। तो यहाँ पे भी टेंशन फोर्स प्रोड्यूस हुई, और यहाँ पे भी हमारे पास टेंशन फोर्स प्रोड्यूस हुई। अब जो हमारे पास लाइट मास था, मीन्स की जो हमारे पास इसके कंपैरिजन से जिसका मास कम था, दैट इज ए लाइट मास, जिसको हम डोनेट कर रहे हैं स्मॉल एम से। अब ये कहाँ पे, कौन सी डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन पे। ये लाइट था ना, तो ये ऊपर के डायरेक्शन पे मूव कर रहा है विद द एक्सीलरेशन ए। एंड द हैवी मास कैपिटल एम मूव डाउनवर्ड विद द एक्सीलरेशन ए। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, अब दोनों के लिए, एक हैवी ऑब्जेक्ट के लिए मास के लिए, और एक हम लाइट मास के लिए इक्वेशंस लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास, सबसे पहले कैपिटल एम हैवी ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये हैवी ऑब्जेक्ट है, ये कौन सी डायरेक्शन पे हमारे पास मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। तो जो इसकी फोर्स होगी, जो इसकी रिजल्टेंट फोर्स होगी, तो वो कौन सी डायरेक्शन पे होगी, रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स, तो याद रखना। वैसे भी हमें पता है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा वो नीचे की तरफ आएगा, जो हमारे पास लाइटर होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा। तो फोर्स किसकी इक्वल आ जाएगी, अब देखो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, टी हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन पे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। अब ये मूव कहाँ पे कर रहा है, डाउनवर्ड पे। तो हम क्या करेंगे, एम जी माइनस टी, वी नो दैट एफ इक्वल टू एम ए, यहाँ पे कैपिटल लेंगे एम बी, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम ए इक्वल टू एम जी माइनस टी। ओके, इक्वेशन वन। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास स्मॉल एम। ओके, अब ये जो लाइट ऑब्जेक्ट है कौन से डायरेक्शन पे जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है। तो टी भी कौन से डायरेक्शन पे, अपवर्ड पे, और वेट हमारे पास कहाँ पे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। तो इसकी जो हमारे पास रिजल्टेंट
यहाँ पे डाउनवर्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा लाइट के लिए अपवर्ड मोशन फोर्स. सो एफ इक्वल टू टी माइनस एम जी. समझ में ना, टी माइनस एम जी अपवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा था, टी के डायरेक्शन क्या है अपवर्ड. अब ये डाउनवर्ड में आ रहा था, डाउनवर्ड किसकी डायरेक्शन थी, वेट की थी, तो एम जी माइनस टी, यहाँ पे टी माइनस एम जी. वी नो दैट एफ इक्वल टू एम ए, सो अवर इक्वेशन एम ए इक्वल टू टी माइनस एम जी, इक्वेशन टू. नाउ एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट में हम ऐड कर देंगे. यहाँ से हमारे पास स्मॉल ए कॉमन आ जाएगा, एम प्लस माइनस एम. यहाँ से फिर से हमारे पास टेंशन फोर्स कैंसिल आउट हो रही है, तो यहाँ से हमारे पास जी जो है वो कॉमन आ जाएगा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम. हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो यहाँ पे ए रहेगा एम माइनस स्मॉल एम अपॉन एम प्लस एम और यहाँ पे जी. नेक्स्ट स्टेप इज, ये जो हमारे पास स्मॉल ए की वैल्यू आई इसको हम इक्वेशन वन में पुट कर देंगे. पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी. हमें टी फाइंड आउट करना है, तो टी इस साइड आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव के हो जाएंगे, एम जी एज इट इज रहेगा, और ये टर्म हमारे पास इस साइड आ जाएगी, तो ये टर्म हमारे पास नेगेटिव की हो जाएगी. नेक्स्ट स्टेप इज, अब हम यहाँ क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे, एम प्लस एम एलसीएम लेके इनको हम सोल्व करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी. उसके बाद हमने क्या करना है, इन ब्रैकेट्स को ओपन करना है. ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगी, तो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो हमारे पास बचेगा टी इक्वल टू एम टू एम एम अपॉन एम प्लस एम ब्रैकेट में और बार जी. ये हमारे पास रिजल्ट था. इसमें गिवन होगा कि कैपिटल एम आपका ग्रेटर होगा स्मॉल एम से. एंड दीज आर द टू एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी.